हेलो फ्रेंड्स, शिखाज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज खाने में क्या है? आज मैं आपके साथ मूंग की दाल की खस्ता कचौरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसी रेसिपी है, तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। कचौरी बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 कप मैदा ली है। इसमें 15 से 16 कचौरी आराम से बन जाती है। मैदा की क्वांटिटी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। अब हम यहाँ 1 चम्मच नमक मिलाएंगे और 1 चम्मच अजवाइन मिलाएंगे। अजवाइन को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें मोयन डालेंगे। हम इसमें तेल का मोयन डालेंगे। आप तेल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हो। हम इसमें इतना मोयन डालेंगे कि ये डो अच्छे से बंधने लग जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर रोटी से थोड़ा टाइट आटा लगा लेंगे। ना बहुत नरम रखना है ना बहुत सख्त रखना है, इसे हमें सेमी टाइट आटा रखना है। अब हम इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम कचौरी की स्टफिंग तैयार करते हैं। मैंने 2 घंटे पहले दाल भिगोई थी जो फूल कर डबल हो गई है। ये 1/2 कप दाल थी, अभी 1 कप के बराबर हो गई है। मेरा कप का मेज़रमेंट 1 ही कप से, जिस कप से मैंने मैदा ली थी। अब हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और थोड़ी सी काली मिर्च ली है। इसको हम हल्का सा भून लेंगे और फिर क्रश कर लेंगे। अब हम यहाँ दाल को भी ग्राइंडर में हल्का सा चला लेंगे। इसे पीसना नहीं है, सिर्फ क्रश करना है। एक दूसरी पैन में हम 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और अच्छे से गरम करेंगे। अब हम इसमें जीरा डालेंगे और जो मसाला हमने तैयार किया था वो भी इसी में डाल देंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। इसमें लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा काला नमक भी मिलाएंगे। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें 6 छोटी चम्मच बेसन मिलाएंगे। बेसन बहुत ज़रूरी है, ये दाल का सारा मॉइस्चर सोख लेता है और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। बेसन डालने से स्टफिंग की बाइंडिंग बहुत अच्छे से होती है। बेसन को अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। अब हम यहाँ थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग का कचौरी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। नमक थोड़ा कम ही मिलाएंगे क्योंकि हम काला नमक ऑलरेडी मिला चुके हैं। अब हम इसमें दाल मिक्स कर देंगे। दाल को 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। मसाले आप अपनी इच्छा से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दाल को मैंने 3 से 4 मिनट तक सेक लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। कचौरी की स्टफिंग थोड़ी ड्राई होती है। अब हम इसमें कसूरी मेथी, पाउडर्ड शुगर, शुगर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा है तो डालिए, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर मिलाएंगे। अब इसे 1 से 2 मिनट तक सेकेंगे और गैस बंद कर देंगे। स्टफिंग को थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। इसकी हम लेमन साइज बॉल्स बनाएंगे और सारी स्टफिंग इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम डो को अच्छे से नीड करके इसकी छोटी छोटी पेड़ियाँ बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा डो लेंगे और इसको रोल करेंगे और हल्का सा फ्लैट कर लेंगे। साइड से पतला करेंगे, बीच में से पतला नहीं करेंगे।
में से हम पतला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम स्टफिंग रखकर दबाएंगे तो ये बीच में से फट सकती है। स्टफिंग बीच में रखकर उसको प्रेस करते हुए हर तरफ से पिंच कर लेंगे और एकदम पोटली जैसा बना लेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको हम निकाल देंगे और इसको अच्छे से हाथों से प्रेस कर लेंगे। डो को सब तरफ से इकट्ठा करके अच्छे से सील कर दें और एक्स्ट्रा निकाल कर धीरे धीरे हाथों से प्रेस कर दें। इन कचौरियों को आप 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। बाकी की दूसरी कचौरियाँ भी हम इसी तरह से बना लेंगे। किनारों को अच्छी तरह से फैलाकर स्टफिंग बॉल रखेंगे और डो को सब तरफ से इकट्ठा करके अच्छे से सील कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देंगे और धीरे धीरे हाथों से प्रेस करके कचौरियाँ तैयार कर लेंगे। ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया था। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा डो डालेंगे। डो नीचे बैठा है और हल्के हल्के से बबल उठ रहे हैं, बस हमें यही टेम्परेचर चाहिए। गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और अब हम इसमें कचौरियाँ डालेंगे। एक बार में हम उतनी कचौरियाँ डालेंगे जितनी आसानी से फ्राई हो सके। मैं इसमें 5 कचौरियाँ डाल रही हूँ एक बार में। इन्हें हम बीच में नहीं हिलाएंगे। जैसे जैसे ये धीरे धीरे ऊपर आएगी उसके बाद ही हम इन्हें पलटेंगे। अब ये धीरे धीरे ऊपर आने लगी है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम पर कर देंगे। ये फूल कर धीरे धीरे ऊपर आ गई है। अब हम इन्हें पलटेंगे। कचौरियों को हमेशा लो मीडियम हीट पर ही फ्राई करना चाहिए। अगर फ्लेम तेज होगी तो वो बाहर से कुक हो जाएगी पर अंदर से कच्ची रह जाएगी, साथ ही उसके ऊपर बबल्स भी आ जाते हैं। अब ये बहुत ही अच्छे से फूल गई है। बहुत ही बढ़िया और प्यारा कलर आ गया है। कचौरियों को लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगता है अच्छे से फ्राई होने में। अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। हमारी कचौरियाँ एकदम रेडी है। अब इसे हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। मीठी चटनी की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो बस कचौरियों का मज़ा लीजिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।